मुझे ये लगता है कि हरियाणा में जो ढंग से भाजपा ने वहाँ दुष्प्रचार किया और पूरे चुनाव को वो कम्युनल लाइन पे ले गए। जम्मू कश्मीर में गठबंधन में इंडिया गठबंधन जीता है, इस तरह से देख रहे हैं इन चीजों को, हरियाणा में भी थी इस तरह से? देखिए, हालांकि अभी जो फाइनल रिजल्ट है, अंतिम परिणाम है, वो आने बाकी है, लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं उन रुझानों के मुताबिक जो है जम्मू कश्मीर में जो एनडीए गठबंधन है बहुमत से जो है सरकार बनती दिख रही है, और हरियाणा में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होते हुए दिख रही है। तो अभी जब तक अंतिम चुनाव के नतीजे नहीं आते तब तक मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फौरी तौर पर जो हम देख रहे हैं कि हमें हरियाणा में उम्मीद थी, क्योंकि जिस ढंग से 10 वर्षों में हरियाणा में लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, उसको लगता है कहीं ना कहीं उसका वो नहीं चला है, और अभी सही रूप से जब नतीजे आएंगे उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कारण रहे, अगर हम पिछड़े हैं तो क्यों पिछड़े। लेकिन मुझे ये लगता है कि हरियाणा में जिस ढंग से भाजपा ने वहाँ दुष्प्रचार किया और पूरे चुनाव को वो कम्युनल लाइन पे ले गए, हालांकि जम्मू कश्मीर में इसका असर नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में 10 वर्षों बाद चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अभी के रुझानों के मुताबिक दिख नहीं रही कि कर पा रही है। तो वहाँ के लोगों ने लगता है कि इंडिया गठबंधन को जो है अपना मैंडेट दिया है, और जो बड़े बड़े दावे एनडीए की सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर कर रही है उन दावों की जो है हवा निकल के दिख रही है।